मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और 71 मंत्रियों ने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी संभाल ली है। यहां पर मोदी के मंत्री 100 दिन के टारगेट पर लगे हुए हैं और विपक्ष किसी और टारगेट पर है, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और फिर झुंझुना वाला राग शुरू हो गया। आखिर विपक्ष को एनडीए साथियों को मिले मंत्रालय में ऐसा क्या दिखा, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी 3.0 का आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू हो चुका है। कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी ले ली। यहां सरकार अपने काम पर लगी और वहां विपक्ष अपने काम पर। मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया, उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसीलिए हमलों और तंज का दौर तेज हो गया। जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे, क्या मिला क्या देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। दरअसल नतीजे आने के बाद से ही मनचाहे विभाग के लिए जेडीयू और टीडीपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी। दोनों ही पार्टियां अहम मंत्रालय चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग मेकर बनकर उभरी इन पार्टियों को मुंह मांगे मंत्रालय न देकर बीजेपी ने विपक्ष को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठबंधन जरूरी भले ही है, मजबूरी नहीं। लेकिन जो मंत्रालय सहयोगियों को मिले हैं उसे भी कमतर नहीं आंका जा सकता। जेडीयू को पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय के साथ कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्रालय मिला। टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय मिला। एलजेपी को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला। हम यानी जीतन राम मांझी को एमएसएमई की जिम्मेदारी मिली। आरएलडी से जयंत को कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। अपना दल एस को दो विभागों में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। यानी बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया, लेकिन विपक्ष इसे झुंझुना बता रहा है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और जहां तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। लेकिन विपक्ष शायद कुछ और संभावनाओं पर काम कर रहा है, क्योंकि हैरानी इस बात की है जब बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई तब भी सवाल उठे और सहयोगियों के सहारे सरकार चलाने की बात हुई, और अब जब बीजेपी ने गठबंधन साथियों की भागीदारी की हिस्सेदारी बांटी तब भी सवाल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमेठी और रायबरेली के साथ यूपी में बदले हाथ के हालात से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी जोश में हैं। जोश इसलिए क्योंकि अमेठी में कांग्रेस की वापसी और रायबरेली में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा बरकरार रखी। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद भाई बहन का पहला रायबरेली का दौरा काफी चर्चा में है, और चर्चा इस बात की भी होने लगी जब राहुल गांधी ने कहा प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते।
उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालात बदले, पिछड़े कांग्रेसी जब साथ आए, तो चुनाव परिणाम का जोश राहुल और प्रियंका के चेहरे पर झलकने लगा कि यहां से अवध से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रव्यूह की रचना की, रायबरेली में जिस तरह से दांव खेला, उसने अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने न सिर्फ अमेठी में वापसी की, बल्कि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को बखूबी बरकरार रखा। मेहनत की, दो दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सब का। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को श्रेय दे रहे हैं और रायबरेली की धरती से पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अगर मेरी बहन प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी 2.5 लाख वोटों से हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। चुनावी परिणाम के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला रायबरेली दौरा था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीति के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें। लेकिन इस दौरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में किसे चुनेंगे, क्योंकि दोनों लोकसभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है। ऐसे में रायबरेली के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि रायबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसदीय सीट रही। सोनिया के राज्यसभा जाने की वजह से सीट खाली हुई। सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने रायबरेली को चुना। राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे। वायनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभव। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए, यानी राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी वायनाड में मोर्चा संभाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब एक नजर डालते हैं क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर। कौशाम्बी में एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, बदमाश के पैर में गोली लगी, बदमाश पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। गाजियाबाद में सर्राफा कारोबारी से लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने 2 किलो चांदी, सोना और कैश लूट कर अंजाम दिया। बलिया पुलिस ने अधेड़ की हत्या का खुलासा किया, पत्नी ही निकली हत्यारन, पुलिस ने आरोपी पत्नी और हत्या में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरदोई के बेलग्राम में बच्चे के अपहरण का पुलिस ने खुलासा किया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल कार बरामद। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लूट की वारदात में फरार चल रहे थे।
ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जा के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अथॉरिटी ने 124 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलंदशहर पुलिस की फर्जी एसओजी टीम से मुठभेड़, पुलिस ने फर्जी एसओजी टीम के तीन सदस्य को गिरफ्तार किया, दो तमंचे और कारतूस बरामद। रामपुर पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल शातिर गो तस्कर फहीम गिरफ्तार, तमंचा कारतूस और बाइक बरामद। बांदा में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद में मारपीट, नाराज पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हापुड़ में जेसीबी से टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेसीबी ड्राइवर पर कई लोगों को कुचलने का प्रयास करने का आरोप, पुलिस की टीम पर भी जेसीबी चलाने की कोशिश।